हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 4 के क्वेश्चंस को, ओके। और ये चैप्टर है अपना 5 अप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। और इस चैप्टर के और भी जो वर्कशीट्स हैं, वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, उसका वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, या तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, यहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। फाइंड द अननोन क्वांटिटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ओके। हर केस में जो अननोन क्वांटिटी है, हाँ, उसको हमको क्या करना है ना, फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना, फर्स्ट में प्रिंसिपल दिया गया हम लोगों को हर एक केस में, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, पी ए मतलब हो रहा है पर एनम, ओके। और टाइम पीरियड भी दे दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है और अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग SI से डिनोट करते हैं, ओके। और इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं पी इंटू आर इंटू टी, ओके। यानी कि प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है। और अमाउंट के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, ए फॉर अमाउंट हो रहा है, और ये होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ओके। तो प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ पे पी से डिनोट करते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से, और फिर टाइम पीरियड को हम लोग टी से डिनोट कर लेते हैं, ओके। तो आइए हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके, और कहाँ पे क्या फेल होगा हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ना, अपना दिया हुआ है प्रिंसिपल कितना, 4, ओके। तो हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर सॉल्व कर लें, तो हम लोग देख रहे हैं प्रिंसिपल कितना है 400, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे SI, ओके। तो SI इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, ओके, पी इंटू आर इंटू टी। तो आइए पी कितना है 400, ओके, और रेट कितना हो गया 5%, चलिए, और टाइम अपना क्या हो गया, टाइम पीरियड 3 ईयर्स, ओके। तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेंगे ना, ये 400 और ये 5% है, तो इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 100 और अपना ये 3। चलिए ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या हम लोग को मिल जाएगा, देखिए 0 से 0 तो कैंसिल कर लेंगे, ओके। इसके बाद यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 5 3 15 और 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिए तो दैट इज 60, ओके। तो ये कितना हो गया ₹60। तो आइए हम लोग यहाँ पर फिल कर लेते हैं ₹60, ये हो गया अपना क्या, सिंपल इंटरेस्ट, ओके। अब आता है अमाउंट के बारे, तो अमाउंट हम लोग कैसे लिखेंगे, अमाउंट हम लोग यहाँ पे ले नोट कर सकते हैं, अमाउंट इक्वल टू SI और प्लस प्रिंसिपल, ओके। तो SI हम लोग कितना निकाल चुके हैं ₹60, और प्रिंसिपल कितना है इसमें से 400, ओके। तो ये दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा ₹460। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी था, हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिए। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो अपना है, इसमें हम देख पा रहे हैं क्या है हमारे पास, आइए गौर करिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देख पा रहे हैं कि अपना प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹450, ओके। और यहाँ पे रेट की बात कर लें तो रेट अपना है 4 whole 1/2% पर एनम। तो रेट इसको हम ये मिक्स नंबर में, इसको हम फ्रैक्शन में ले लें तो 4 2 8 + 1 दैट इज 9/2%, ओके। अब यहाँ पे टाइम पीरियड देखिए, टाइम जो है ना, हाँ, हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3 ईयर 4 मंथ्स दिए हुए हैं, तो 3 ईयर्स हम इसको लिख सकते हैं 3 ईयर्स, ओके, प्लस 4 मंथ्स इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे ना, ये तो 3 ईयर्स है ही हमारे पास, ये मंथ जो है ना इसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो हम कैसे ईयर में कन्वर्ट करते हैं, जब भी मंथ्स को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो हमको 12 से डिवाइड करना पड़ता है, ओके। ये हम लोग ध्यान रखेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि 1 ईयर का मतलब होता है 12 मंथ, ओके। तो इसलिए हम लोग जब भी मंथ को ईयर में ले जाएंगे तो 12 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 और ये 3, दैट इज नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप अपना होगा यहाँ पर 3 ईयर, ओके, 3 ईयर्स प्लस 1/3 ईयर्स, ओके। चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ना,
ऐड कर लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। ओके, और ये हो गया यहाँ पे 1, तो 3 1 3 तो ये तो अपना 9 हो जा रहा है। ओके, प्लस यहाँ पे 1, दैट इज ये हो गया हमारे पास 10/3 ईयर्स। ओके, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, P × R × T। ओके, तो आइए P का वैल्यू कितना है हमारे पास, 450, और R कितना निकाल लिया, 9/2%। ओके, पर एनम, यहाँ पे हम पर एनम लिख सकते हैं। तो ये देखिए अभी जो बाय में टू है ना, इसको हम नीचे ले लेंगे, हाँ यहाँ पर चलिए। और इसके बाद रेट टाइम कितना है, 10/3, तो हम लोग यहाँ 10 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 3। ओके, इसके बाद अपना जो परसेंट था इसके लिए अपना 100 यहाँ पे आएगा, क्योंकि ए अपना परसेंट हटा रहे हैं तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो रहा है और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अपना यहाँ पे 3 से हम लोग डिवाइड कर लें, तो 3 1 3 और ये 15 3 45, और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, 2 से तो कैंसिल नहीं होगा। तो आइए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया है, 15 × 9। ओके, और डिवाइड बाय 2, तो ये जो वैल्यू आएगा ये अपना क्या हो जाएगा, ये होगा अपना सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो 15 × 9 कितना होता है, हम लोग जानते हैं 135 डिवाइड बाय 2। चलिए इसको हम डिवाइड कर लें तो क्या हो जाएगा अपना, 2 6 हो गया 12, बच गया मेरे पास 1, तो ये हो गया 15, यानी कि 2 7 14, बच गया 1, तो पॉइंट लगाएं, यानी कि हो गया 10, तो 2 5 10, दैट इज ये हो गया 67.5। ओके, तो ये तो आ गया अपना सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लोग आइए यहाँ पे पुट कर ले, कितना आ गया अपना सिंपल इंटरेस्ट, 67.5 50 हम ले सकते हैं। ओके, अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो अमाउंट इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, P+SI, चाहे तो SI+P हम लोग जो लिखेंगे। तो ये हो गया 450 रुपीज प्लस यहाँ पे आ गया 67.5। ओके, हम अगर इसको ऐड करते हैं तो क्या अपना मिलता है, देखिए ये होगा ₹517.50। तो आइए हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं ₹517.50। ओके, इस तरह से अब आइए हम लोग थर्ड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमको क्या दिया गया है ना, प्रिंसिपल तो दे ही दिया है, इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, लेकिन टाइम पीरियड डेज में दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आइए वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो प्रिंसिपल अपना कितना था, प्रिंसिपल था 500 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे देखिए 15 ऑल 1/2, तो हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 × 2 = 30 और प्लस 1, दैट इज ये हो जाएगा 31/2%। ओके, तो और ये डेज है, तो डेज को हम ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आइए रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया अपना 30/31/2, तो 2 को तो हम नीचे लिखेंगे, और ये देखिए टाइम कितना है अपना 146 डेज, तो डेज के लिए हमको ईयर में ले जाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, जब भी डेज में दिया हुआ रहे तो हम लोग 365 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, 365 से डिवाइड करेंगे, ताकि ये जो अपना डेज है वो ईयर में आ जाए। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, 146/365 ईयर्स। ओके, ये ईयर में आ जाएगा। तो क्यों ऐसा हम लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ना कि वन ईयर का मतलब हो रहा है 365 डेज। ओके, इसलिए हम ये फॉर्मूला का यूज यहाँ पे करेंगे, तो जब भी डेज में दिया हुआ हो तो 365 से डिवाइड करेंगे, और परसेंटेज के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 100 पुट करेंगे। ओके, डिनोमिनेटर में। अब हम सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे, ये 73 का टेबल हमको पढ़ना पड़ेगा, तो 73 को 2 times पढ़ेंगे तो आ जाएगा 146, और ये 73 को 5 times पढ़ेंगे तो आ जाएगा 365। ओके, अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया,
अब नेक्स्ट अपना क्या होगा, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये फाइव है और ये फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना क्या आ गया, ₹31 इज द एस आई। ओके, तो हम यहाँ थर्ड नंबर में लिखेंगे ₹31 आंसर अपना। ओके चलिए, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या अमाउंट, तो अमाउंट यहाँ पे क्या है 500, तो 500 में अगर हम 31 ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा ₹531। ओके तो अमाउंट हम निकाल चुके हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में। तो क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए अपना प्रिंसिपल दिया हुआ है और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है और टाइम एग्जैक्ट हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेट दिया हुआ है। ओके जब भी डेट दिया होता है ना तो हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ता है टाइम का, कैसे करेंगे वो देखिए हम लोग यहाँ पे फोर्थ नंबर में कर लेते हैं। तो आइए हम लोग टाइम को कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम कैसे निकालेंगे, हम लोग डेट दिया हुआ है तो कौन कौन सा मंथ है पहले वो नोट कर लेंगे। देखिए अप्रैल है, इसके बाद मई होगा और ये जून है, तो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है जून तक पहुंच रहा है, तो अप्रैल मई और जून तीन मंथ है, तीनों मंथ को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे टाइम में। पहले तो हम लोग लिखेंगे अप्रैल, ओके फिर हम लोग लिखेंगे मई, ओके और फिर ये जून, हाँ ये तीन मंथ हम लोग नोट कर लिए। अब देखिए अप्रैल का कितना दिन है, तो अप्रैल में कितना डेज होता है, तो हम लोग देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल मतलब नीचे आ रहा है मतलब 30 डेज का हुआ। ओके तो 30 डेज का हो गया हमारे पास अप्रैल, हाँ 30 डेज का हो गया। अब इसमें से स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये देखिए, हाँ 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो 8 अप्रैल को हम काउंट करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया ना कि अप्रैल 1 से लेके 7 तक, हाँ अप्रैल 1 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक ये 7 डेज जो है काउंट नहीं होगा। ओके तो 7 डेज काउंट नहीं होगा तो 7 हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो क्या अपना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23 डेज। ओके तो इसका मतलब ये हो गया कि अप्रैल में कितना डेज हो गया 23 डेज। ओके चलिए अब मई की बात कर लें, तो मई पूरा मंथ आएगा देखिए, है ना मई में अप्रैल से स्टार्ट हुआ मई और जून में ख़त्म हो रहा है, तो मई पूरा महीना आएगा, तो मई कितना दिन का होता है अप्रैल मई, सॉरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई होता है 31 डे क्योंकि ये ऊपर में आ रहा है। ओके तो ये हो गया मई में अपना 31 डेज यहाँ पे लिख दिए। अब जून की बात कर लें, तो जून में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना 20 जून तक ही आएगा, तो 20 जून तक लिख रहा है तो मतलब 20 है ना 1 से लेके 20 तक जून में हम बात कर रहे हैं, है ना जून में हम बात कर रहे हैं 1 से लेके 20 तक, क्योंकि 20 को हम लोग पैसा विथड्रॉ कर ले बैंक से तो 20 अपना अकाउंट में नहीं आएगा। ओके ये ध्यान रखिएगा, तो कितना अकाउंट में आएगा 1 से लेके 19 यानी 19 डेज तक ही अकाउंट में आएगा, तो आने की ये हो गया कि 20 डेट को हम लोग पैसा विथड्रॉ कर लिए तो 20 का हमको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा 20th डेट का, तो इसका मतलब हो गया कि 1 से लेके 19th डे यानी 19th डे हम काउंट कर सकेंगे यहाँ पर। ओके अब हम सभी को ऐड कर लेते हैं, तो कितना होता है टाइम ध्यान दीजिए, ये हो गया 9 + 1 10 + 3 यानी 13 कैरी ओवर 1 हो गया और 5 6 और ये 7 दैट इज 73 डेज। ओके तो 73 डेज अपना टाइम हो गया। अब आइए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, P × R × T। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 1200 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% और टाइम अपना कितना हो गया 73। ओके तो ध्यान दीजिए ये परसेंटेज हटाए तो 100 आ गया अपना। ओके और ये 73 डेज है ना, तो इसको ईयर में ले जाने के लिए क्या करेंगे 365 से हम डिवाइड करेंगे, सिंपल सा कैलकुलेशन फिर है देखिए, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जा रहा है। ओके और इसके बाद यहाँ पे क्या है ना 73, तो 73 का टेबल हम वन बार पढ़ेंगे 73 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आएगा 365 और ये 5 से अपना 15 कट जाएगा तो ये 3 हो गया। आइए तो 3 यहाँ पर बच गया और 12 यहाँ पर बच गया, तो कितना हो गया ये हो गया मेरे पास मल्टीप्लाई होकर के 36।
तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकल चुका है 36। ओके, तो एक बार हम लोगों को यहाँ पे टाइम कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद जब टाइम जब डेट दिया रहता है तो हम लोग मंथ वाइज लिख करके टाइम को निकाल लेते हैं। ओके, कितने डेज हैं और फिर उसको ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये अपना हो गया। अब इसमें से हमको अमाउंट कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो जब अमाउंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया मेरा कितना, 1236। ये हो जाता है क्या, सिंपल अमाउंट। ओके, सो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।